आपने कोई भी ऐसा सुनसान एरिया हो आसपास, कोई भी मतलब मेट्रो स्टेशन हो, आपके घर के बाहर का रोड हो, कोई ट्रैफिक नहीं निकल रहा हो, कुछ देर मोबाइल से वहां वीडियो बनाकर देखो, बाद में उस वीडियो को खुद देखो 2-3 बार। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मन में जो चल रहा है ना, वो हमें ऐसा लगता है सामने वीडियो में है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहली बार ये मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, बताने की। मैंने एक वीडियो देखा था, उस पर आर्टिकल भी पढ़ा मैंने पहले, तब मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए कभी कभी, हाँ ठीक है, मैं हर बार नहीं कहूंगा कि हर बार होता है, लेकिन कभी कभी हमारे मन का वहम भी होता है। नमस्कार, मैं नितिन हूं, यह है चाचा का रेडियो और मैं यहाँ से मूवी रिव्यूज, ब्लॉग आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक करके मुझे ऑप्शन दीजिएगा कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। फीडबैक जरूरी है, तभी मैं सीख पाऊंगा, अदरवाइज मेरे को कुछ आता तो है नहीं। मयूर विहार मेट्रो स्टेशन पर जब भी ये लास्ट गाड़ी रुकती थी, लोगों को यहाँ डर महसूस होता था। इनमें सबसे ज्यादा जिसने बहुत बार एक्सपीरियंस कर लिया, इनका नाम है अलका, और कहती है कि मेरे घर के सबसे नजदीक ये मयूर विहार मेट्रो स्टेशन पड़ता था, तो मुझे यहाँ पर उतरना सही लगता था, लेकिन डर की वजह से मैं एक स्टेशन पहले उतरने लग गई और फिर घर तक मैं बस या ऑटो से आती थी। बाहर की नॉइज को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ये एडिट नहीं हो सकता। अलका का ये कहना है कि हाँ, मैं इस बात को मानती हूँ कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मैं कुछ समय पहले तक नहीं मानती थी, लेकिन अब मानती हूँ। जब से मैंने मेट्रो में सफर शुरू करा, मुझे डर लगता है। इत्तेफाक ऐसा होता है कि जब भी मैं आती हूँ, ये मुझे लास्ट मेट्रो ही मिलती थी, और शुरुआत में मैंने अपने घर में ये चीज़ डिस्कस करी, लेकिन सब ने मैं मन से कहानियां बना रही हूँ ऐसा कहकर बात को टाल दिया। मेरे फ्रेंड लोग से मैंने ये सब डिस्कस करा तो उन्होंने मुझे कंपनी देने के लिए मेरे को घर तक ड्रॉप करा। मेट्रो में मेरे साथ आते थे, लेकिन उनके साथ होने के मेरे को बात कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। वो मुझसे पूछते थे, मैं अलका की तरफ से बता रहा हूँ जैसे उन्होंने जो आर्टिकल में बताया है। बाद में मैं आपको यहाँ पर अपना ओपिनियन दूंगा कि अलका को यहाँ क्या लग रहा था और वो क्या हो सकता था या आज भी उस स्टेशन पर है। अगर आप मयूर विहार रहते हैं तो डरने का ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैंने बताया ना कि भूत प्रेत और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में फर्क है। भूत प्रेत बाहें खोलकर आपका स्वागत नहीं करता कि मैं यहां पर हूं, आइए दो एक सेल्फी हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो तो आपको आपके घर में आपके बिल्कुल बराबर में भी महसूस हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं मयूर विहार के बारे में नहीं, हर जगह के बारे में बोल रहा हूँ। और दो आर्टिकल है वैसे मयूर विहार को लेकर, एक तो वो पेड़ कई लोगों को पता है, दूसरा ये स्टेशन। इनको जो महसूस होता था, इनके दोस्तों ने सपोर्ट करा, वो आए, लेकिन कुछ भी डरावना अनुभव नहीं हुआ। इन्होंने ये बात एक मंदिर के पंडित जी से भी करी। अब सोचिए कि ये सिर्फ इनके मन का वहम नहीं था, पहले मम्मी पापा से, दोस्तों से, उन्होंने कंपनी दिया, यहां तक आए, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद मंदिर गई, और जबकि इनका ऐसा नहीं था कि डेली रूटीन में मंदिर जाना हो, लेकिन डर की वजह से मंदिर पहुंची। मंदिर में जाकर पंडित जी को सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा, बेटा कभी कभी होता है कि बुरी आत्मा अपना जो स्थान है वो बदल रही हो, वो आपको महसूस हो गया हो, कुछ ऐसी छवि बनी हो जो आंखों के सामने जो वास्तव में है ही नहीं, लेकिन आपके मन ने वो चीज अपने मन से बना दी। समझ रहे हो कि बस जैसे होता ना कि बादलों में हमें कोई चेहरा दिखने लग जाता है, या पत्तों की परछाई अगर पड़ रही होती है तो ऐसा लगता है कि कोई भयानक सी आकृति बन गई, तो ये कभी कभी हमारी आंखें हमारे मन को समझा देती है कि हम ये देख रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन इनके साथ जो चीजें हो रही थी, मैंने कहीं सुना है, पढ़ा है कि अगर आप किसी ऐसी जगह से जाते हो जहां पर कुछ भूत प्रेत आत्माओं वाली घटना है, तो जेब में नेल कटर रखो, बुरी शक्तियां दूर रहती हैं, या कोई भी माचिस की तीली रख लीजिए, उससे भी आप पर बुरा प्रभाव नहीं आएगा, नेगेटिविटी आप तक नहीं आएगी, वो जो अपना असर दिखा सकती है नहीं दिखाएगी। किसी से पूछना, मेरी बातों पर एकदम यकीन करने का जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ हवाई बातें करता हूँ ना, तो आप पहले दो एक लोगों से पूछेगा कि ऐसा है। पंडित जी ने यही चीज बताई कि बिटिया ऐसा है कि कलावा तो हम बांध रहे हैं, साथ ही साथ तुम्हारे को अपने पर्स में जो भी तुम दफ्तर से लेकर चलती हो उसके अंदर 3 लाल मिर्च सूखी, वो जो होती है ना बड़ी बड़ी लंबी लंबी सूखी सूखी लाल मिर्च, 3 लेकर चलनी है रोज, और घर आने से पहले कहीं भी इसे फेंक देना और पलट कर मत देखना।
और ये आपको एक हफ्ते करना है बेटा। अगर आपको लगता है कि एक हफ्ते में कुछ परिवर्तन हुआ और अब मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो ये चीज़ करना बंद कर देना। लेकिन अगर एक हफ्ते तक होता रहा या एक हफ्ते के बाद भी हो रहा हो तो आकर मिलना ज़रूर, अपने मम्मी पापा को लेकर आना। इसने कहा ठीक है। पहला दिन हुआ, ये वो जो सूखी मिर्चें बाजार से लेकर आई थी वो ले जाना भूल गई। दफ्तर में इसे याद आया, अब कहती है कि मुझे जो पंडित जी ने बताया था ये तो काम अधूरा रह गया, कल से करती हूँ। इसे मेट्रो में आज भी ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये जिस तरफ बैठी थी इसके ठीक सामने शीशे पर इसी की आकृति बन रही थी, मतलब इसकी इमेज, इसकी परछाई, छाया बन रही थी इसकी। इसके पास कोई बैठी हुई दिख रही है परछाई में, सामने शीशे में। जब कोई डार्क जगह जाती है तो उसमें परछाई बन जाती है ना, लेकिन यहाँ साथ में खाली है, इसके पास इधर कोई नहीं बैठा, लेकिन सामने शीशे में इसके पास कोई बैठा हुआ है और ये काफी क्लियर है। ये डर कर इस जगह से खड़े होकर थोड़ा सा आगे जाकर बैठ गई। डरते डरते शीशे में दोबारा देखा तो फिर से कोई इसके पास बैठा हुआ है। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे, कहाँ जाए। अभी फिलहाल घर से काफी दूर है, इतने पहले अगर स्टेशन पर रुकती है तो समस्या हो जाएगी। अब जरा सोच कर देखिए, ये जो लोगों ने मन में बात बनाई है आर्टिकल में जो आता है कि मयूर विहार के स्टेशन पर कुछ ना कुछ भूतिया घटनाएं होती हैं, लेकिन ये जो इन्हें महसूस हो रहा है ये तो कम से कम 4 स्टेशन पहले की बात थी। समस्या कहीं ऐसा तो नहीं इसके साथ है, और ये जिस भी मेट्रो में या जिस भी जगह किसी भी माध्यम से सफर करेगी तो हाँ इसे कुछ दिख सकता है। इसे कहते हैं अपने ग्रह थोड़े से कमजोर रखना या होना, जिसकी वजह से ये सब कुछ समस्याएं हो रही है। खैर होता क्या है कि इन्होंने तो एक जगह और छोड़ने के बाद एक जगह एक महिला और एक उनके संगी साथी बैठे हुए थे, तो उनके पास जाकर बैठती है, अपने चेहरे को पोंछ रही होती है पसीना, और जबकि गाड़ी में अंदर काफी ठंडक है। तो वो जो महिला थी उन्होंने पूछा कि बेटा तुम ठीक हो, तबीयत ठीक है? उसने कहा हाँ तबीयत ठीक है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। इन्होंने मेट्रो में इधर उधर देखा कि काफी मेट्रो खाली है, किससे कोई किसी ने बात बोली है तुम्हें, किस बात का डर लग रहा है? अगले स्टेशन से जो पुलिस है आप उनसे बोल सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी बात कुछ अलग है, मैं किसी को बता नहीं सकती। और आप कौन से स्टेशन पर उतरोगे? उन्होंने कहा हम मयूर विहार पर उतरेंगे। इसने कहा कि मुझे भी वहीं उतरना है, क्या मैं आपके साथ स्टेशन से बाहर तक आ सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये उनसे बात करते करते मैं ना शीशे की तरफ देखती हूँ तो फिर से ऐसे लग रहा है कि इसके पास आकर कोई बैठ गया। ये इस तरफ चेहरा रखती है, मतलब लेफ्ट की तरफ देख ही नहीं रही है, इतना मन में डर है। इसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हो रहा है। अब शीशे में जब देख रही है तो हाँ वो जो भी आकृति है, इनका ये कहना है, क्योंकि देखिए जो आपने आर्टिकल में बताया ये राक्षस होता है, लेकिन राक्षस मैक्सिमम या तो नदी और लेक हो गया, घाट के बाहर हो गया, या बरगद के नीचे, ये सारी जगह है। और जहाँ इतना पब्लिक है या जहाँ इतना रोशनी है वहाँ प्रेत जिन छलावा तो एक बार को महसूस हो सकता है, लेकिन राक्षस की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो आप शीशे में देख रहे हो जिसके आपको नाखून बड़े लंबे दिख रहे हैं, वो नाखून इतने लंबे यहाँ तक आ रहे थे। और इन्होंने जब घर पर जाकर अपना हाथ देखा तो हाँ यहाँ पर निशान भी थे। घर वालों को खूब समझाया बताया, किसी ने कुछ यकीन नहीं करा, किसी ने माना ही नहीं। ये यहाँ से अगले दिन पंडित जी के पास कई सारी बातें बताती हैं। पंडित जी ने कहा कि बेटा जो मैंने तुम्हें बताया तुमने शुरू क्यों नहीं किया, एक बार वो करके देखो, और अगर उसके बाद भी डर लगता है तो मैं तुम्हारी फैमिली से बात करूंगा। एक दिन इन्होंने ये प्रॉपर करा, घर से गई, 3 मिर्चे लेकर ऑफिस गई, वापस आती हैं, मेट्रो से उतरती हैं, शीशे में काफी बार इधर उधर देख लिया, ऐसा कुछ भी डर वाली बात नहीं लग रही थी। सूखी लाल मिर्च मेट्रो के स्टेशन से बाहर आकर अपने घर के मोड़ से पहले कहीं फेंक दी और घर तक आ गई। आज इतनी ज्यादा रिलैक्स थी कि ना जाने मैं चांद से उतर कर आ गई हूँ, इतना ज़्यादा इन्हें अच्छा लग रहा था। अगले दिन इनके ऑफिस का छुट्टी थी, ये सीधा यहाँ से मंदिर गई और पंडित जी को सारी बात बताती है। पंडित जी ने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, हो सकता है कि कोई बला थी, आई और टल गए, तुम निश्चिंत रहो। इनका ऑफिस जाना एक दिन बाद छोड़कर हुआ, मतलब इस आज की तो छुट्टी हो गई थी, उसके बाद जो नेक्स्ट डे पड़ा था उसमें इनके पापा ने ड्रॉप किया था गाड़ी से, तो ये कुछ इन्हें महसूस ऐसा हुआ नहीं।
और जब वापसी करी थी इन्होंने तो भी इनके फ्रेंड लोगों ने इन्हें घर तक छोड़ा था। पहली बात तो ये कि उस वक्त चहल पहल बहुत थी, तो इन्हें शायद हो सकता है कि प्रेत की तरफ नजर नहीं गई। ऐसा होता नहीं है जैसा कुछ चीजें। देखिए मैं इसमें अपनी तरफ से ना फेरबदल नहीं कर रहा हूं, जो है जैसा है प्रस्तुत कर तो बता दो। एक और दिन जिसमें इन्हें यह अनुभव हुआ, आज भी ये मिर्ची लेकर आई थी। मेट्रो में अपनी जगह बैठी थी जहां पर बैठती थी। शीशे में फिर से कुछ महसूस हुआ तो इस बार इन्होंने निडर होकर अपने पर्स को बीच में रखा जिसके अंदर लाल मिर्च थी। जो सामने लड़की बैठी है उसने कहा कि ये आपने पर्स कहाँ से लिया है, 1 मिनट में देख सकती हूँ? उसने कहा हाँ हाँ देख सकते हो। जब इसने पर्स उठाकर उस लड़की को दिया तो हल्का सा कुछ डिसबैलेंस हुई और ये गिर गई। इनके बैग में से काफी चीजें बाहर गिरी, उसमें मिर्च भी वो बाहर गिर गई थी। मेट्रो के बाहर आती हैं। अब जब इन्होंने यहां से बाहर चलना शुरू करा तो इन्हें पक्का यकीन है कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है और प्रॉपर तरीके से मेरा नाम बोलता हुआ चल रहा है। ये एक आदमी की आवाज है, ये एक आदमी की, बुजुर्ग से आदमी की आवाज है, और मैं तेज तेज चल रही हूं, और लेकिन उसको जो मैं महसूस कर रही हूं, सुन रही हूं, उसका ऐसा लगता है कि जैसे वो दोनों पैरों को घसीट घसीट कर चल रहा है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पलट कर पीछे देखूं, बस मैं घर तक जैसे तैसे करके भागती दौड़ती पहुंच गई। घर पर देखती हूं बाहर ताला लग रहा है। अब ऐसे में और ज्यादा मन में डर और अजीब अजीब ख्याल आने लग गए। फोन निकालकर मम्मी को फोन किया तो मम्मी ने बताया कि मैं दो घर छोड़कर कहीं कीर्तन था तो वहां आकर बैठ गई हूं। एक काम कर, तू भी यहीं पर आ जा। जब ये वहां गई है और उनका गेट बंद कर रही थी तो इनका ये कहना है कि पेड़ के पीछे से कोई आंखें मुझे देख रही थी और ये इंसान नहीं था, क्योंकि किसी भी इंसान की आंखें इतनी दूर दूर नहीं होती, इतना बड़ा फेस किसी का नहीं हो सकता। और इनका यह भी कहना है कि उसकी आंखें इतनी ज्यादा टिमटिमा रही थी और मेरे पर पीछे कोई गाड़ी थी उसका कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा था, तो मैं फेस सही से नहीं पहचान पाई, लेकिन आंखें 100% देखी थी और वो इंसान की नहीं थी। इन्होंने घर में अंदर आकर ये सारी बातें बताई। फिर अगले दिन पंडित जी से, जिनसे ये मिली है, सब कुछ पूछा था, उनसे मिलने गए अपनी मम्मी पापा के साथ। उन्होंने बताया कि ये भी हो सकता है कि आपकी गुड़िया पर कोई टोटका पड़ रहा है, दूसरा ये कि इसका ऑरा थोड़ा सा कमजोर है जिसकी वजह से ये बार बार इन चीजों के आसपास आ जाती है या इसे महसूस हो रही है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रेत अपनी झलक दिखा सकते हैं और वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन हाँ उनमें कुछ एक्स्ट्रा हल्का सा ये कह सकता हूं कि पावर है जिसमें कि वो ऐसी शक्तियों को महसूस कर सकते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है। पंडित जी ने इन्हें कुछ चीजें बताई और इन्होंने वो किया। उसके बाद कहती हैं कि मुझे काफी समय तक ऐसा कुछ डरावना अनुभव तो नहीं हुआ, लेकिन जब भी मेट्रो मयूर विहार लास्ट ट्रेन के बारे में बात होती है तो मुझे अपना समय थोड़ा सा याद आ जाता है। और ये जो चीज है अभी दोबारा नजर में पता कैसे आ रही है, क्योंकि इस तरह से मिलता जुलता दो लोगों का और अनुभव आया है, मतलब आर्टिकल है, जिसके अंदर एक का नाम साक्षी है और एक लड़का है जिसका नाम है गगन। इन दोनों ने भी कुछ कुछ ऐसा ही बताया है कि शीशे में हमारे पास कोई बैठा हुआ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में हमारी सीट बराबर वाली खाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।